Dear students, welcome to the classes of our academy. Presently we are studying the questions on issue of shares and the concept is, here the concept is forfeiture and reissue of shares which were issued on pro rata basis. The question is Janata Limited issued applications for 5 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 4 per share. The amount was payable as follows. Ab question achhi tarah padho and start. First of all, this is written as application 6 including premium. So that is 4 plus 2. Allotment 6 including premium 2. 4 capital 2 premium. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कल टू, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट. और इसमें क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो. एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, तो आपके इसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स अलॉटेड, ये दो कॉन्सेप्ट है. तो 7,50,000 एप्लीकेशन आया आपके, हमारे पास 5 लाख शेयर है, हम फुल प्रोडाटा अलॉटमेंट कर लिया, 7,50,000 को 5 लाख दे दिया. क्वेश्चन में बोल रहा है अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस मोहन टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड. तो मोहन को 1,000 शेयर अलॉट हुआ है, हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये दोनों फेल कर लिया, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया. विक्रम टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे ओनली फर्स्ट कॉल. तो मोहन और विक्रम दोनों का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया गया. और मोहन यहाँ पे प्रोराटा हो रहा है, कंडीशन वन प्रोराटा हो रहा है और अलॉटमेंट में एरर हो गया, मोहन ने एरर कर दिया. तो मोहन वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, तो अप्लाई कितने के लिए करा था, तो मोहन के बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे. दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1,000 शेयर्स टू मोहन एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. 7,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 1,000 शेयर्स आर अलॉटेड. तो मोहन 1,500 एप्लीकेशन भेजा था, तो साथ में 6 रुपीज दिया था, तो उसके लिए हमें वो टिपिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा 5 लाइन्स का. तो दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,500 इंटू 6 9,000. खाली मोहन के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि मोहन 1500 शेयर के लिए अप्लाई करा था और उसको हमने 1000 शेयर दिया, तो 1500 शेयर के लिए उसने 6 रुपए एप्लीकेशन मनी दिया होगा. लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू, दैट इज 1000 शेयर्स इंटू 6,000, देन बच गया उसका 3000 एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी. ये पैसे को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे. लेस अलॉटमेंट ड्यू 1000 इंटू 6,000. तो मोहन अगर पैसे दिया नहीं तो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 3000. ये कैलकुलेशन के बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन के लिए. तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 7,50,000 इंटू 6 दैट इज 45 लाख, देन दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन भी अकॉर्डिंगली दे दो. नेक्स्ट एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 45 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख इंटू 4 दैट इज 20 लाख, टू शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख इंटू 2 क्योंकि प्रीमियम इश्यू हो रहा है, 4 रुपए कैपिटल हो गया, 2 रुपए प्रीमियम, ये हो गया 30 लाख, बाकी अलॉटमेंट में चला जाएगा. कैसे ना, 7,50,000 और 5 लाख में डिफरेंस होता है 2,50,000, 2,50,000 का 6 रुपीज पर एप्लीकेशन दैट इज इक्वल टू 15 लाख. तो नरेशन लिखो, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 6 पर शेयर इंक्लूडिंग रुपीज 2 पर शेयर प्रीमियम एंड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ऑन 2,50,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ रुपीज 6 पर एप्लीकेशन. देन अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसके बाद जो भी एंट्री बनेगा 5 लाख पे बनेगा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख इंटू 6 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख इंटू 4 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख इंटू 2 दैट इज
10 lakhs. तो ड्यू एंट्री कर दो, नरेशन भी अकॉर्डिंगली लिखो. देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आई विल एक्सप्लेन हाउ वी हैव गॉट दिस मनी, गॉट दिस अमाउंट. तो हमें मिलना था 30 lakhs. 30 lakhs से हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के लिए. दिस इज ए प्रोराटा क्वेश्चन. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. तो 30 lakh से 15 lakh हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया. तो माइनस करो. और आप मोहन ने नहीं दिया, नहीं 1000 × 6 आप बोल नहीं सकते, 6000 नहीं दिया, क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है. एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली मोहन का एक्सेस पैसा 3000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया. अलॉटमेंट मनी ड्यू बन रहा था 6000, उसने दिया नहीं तो 3000 दिया नहीं. ये 3000 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 14,97,000. हमने अकॉर्डिंगली नरेशन लिख देना, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैलेंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. इसके बाद फास्ट कॉल, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 5,02,10 lakhs. देन बैंक टू शेयर फास्ट कॉल 15×2, 3000 माइनस करो 10 lakh से, लिख दो 9,97,000. अकॉर्डिंगली नरेशन लिख दो. देन फोरफिट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1500×10, मांगा कॉल्ड 1500×10, वी कॉल्ड 15,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मिला नहीं वो आएगा. मिल चुका है मोहन का 2 रुपये और मिला नहीं मोहन का 2 रुपये. मोहन ने 2 रुपये दे दिया एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम, और अलॉटमेंट का प्रीमियम दिया नहीं. तो 1000×2000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जितने पैसे मिला. आप ये नहीं बोल सकते 1000×6,000, क्योंकि ये टिपिकल कैलकुलेशन के साथ है, प्रोराटा हो रहा है, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है. तो इस केस में मोहन ने दिया 9000 रुपये. बट ये 9000 को हम इसीलिए फोरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फोरफिटेड. मोहन ने 2 रुपये प्रीमियम दे रखा है. ये 9000 से ये 2 रुपये पर शेयर, यानी 9000 माइनस 1000×2 माइनस करके 7000, और विक्रम ने दिया है 5000×8, 500 शेयर × 8 रुपये, 4000 रुपये. तो 4000 + 8000, ये इसको लेंगे 8000 नहीं 7000, क्योंकि 1000×2 2000, 9000 - 2000, 7000 और विक्रम का 4000, तो 11000 हमने फोरफिट करना है. फर्स्ट अलॉटमेंट में हम ये नहीं बोल सकते कि मोहन ने 6000 नहीं दिया. मोहन ने दिया नहीं तो 3000 रुपये नहीं दिया. टू शेयर अलॉटमेंट 3000. फास्ट कॉल होगा 1500×2, 3000. तो 1500×2 3000 नहीं मिला. देन 1500 shares forfeited ड्यू टू नॉन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर. ये हो गया. देन रीइश्यू कर देंगे सारे शेयर. क्वेश्चन पढ़ो, दे रखा है. इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 1500×8, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 1500×2, क्योंकि 10 रुपये का शेयर को हमने 8 रुपये में रीइश्यू करा, तो 2 रुपये हो गया डिस्काउंट ऑन रीइश्यू और शेयर फोरफिटेड अकाउंट या फोरफिटेड शेयर अकाउंट. तो ये 3000. और कैपिटल रिजर्व कैसे होगा, नरेशन भी अकॉर्डिंगली लिख दो कि 8 रुपये में बेचा. 11000 फोरफिट करा था और उससे 3000 रीइश्यू में लगा दिया. तो 11000 - 3000 = 8000. This is forfeited shares account debited to capital reserve account. And this is all about your answer.